गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। टुडे विल बी लर्न मैथ्स चैप्टर नंबर 2, नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। आगे हमने पार्ट 2 देखा था। पार्ट 2 में हमने कितने क्वेश्चन देखे थे? 10 तक देखे थे। ओके, तो आज हम पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ओपन योर बुक पेज नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 11। उसमें फर्स्ट है मेक द करेक्ट पेयर। तो हमें क्या करना है, पेयर बनानी है। यहाँ पे अलग पिक्चर्स लिए गए, वो पिक्चर्स काउंट करके उनका जो नंबर आता है वहाँ हम मैच करेंगे। तो फर्स्ट है बलून, तो बलून को फर्स्ट हम काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5, कितने बलून्स हुए? सॉरी, यहाँ पे आपको 4 बलून ही दिए गए हैं। ओके, तो ये है 4 बलून, तो हम यहाँ पे 4 नंबर पे मैच करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है पेंसिल, तो पेंसिल को हम काउंट कर लेंगे। 1 2, तो ये रहा हमारा 2 नंबर, तो उनको मैच कर देंगे। फिर है कैप, तो कैप हमारी 1 ही है, तो 1 नंबर पे मैच करेंगे। फिर है ट्री, तो ट्री को काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5, तो ये रहा हमारा 5 नंबर। फिर है सर्कल, 1 2 3, तो 3 नंबर पे हम मैच करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे ही आपको पिक्चर्स काउंट करने हैं और उनके नंबर के साथ मैच करना है। सेकंड में भी वैसे ही करना है। तो ये सेकंड जो है मेक द करेक्ट पेयर, वो आपको खुद से करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, काउंट एंड मैच विद द करेक्ट नंबर। तो क्या करना है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। फर्स्ट जो है उसमें कैंडी दी गई है, ओके, और सामने नंबर्स दिए गए हैं। तो अभी हमें क्या करना है, मैंने कैंडी की जगह सर्कल किया है, कैंडी को हम काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारी कैंडी कितनी है? 8। तो ये 8 है या 8? ये तो 7 है, ये 8 है, तो 8 से हम इनको मैच कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो क्या करना है, हमें पहले तो पिक्चर्स काउंट करने हैं और जो नंबर सही है वहाँ पे हमें मैच करना है। वैसे ही आपको आइसक्रीम, टॉफ़ी और जो लॉलीपॉप दिया गया है वो आपको काउंट करके राइट नंबर पे मैच करना है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, काउंट एंड मैच। ये साइड आपको पिक्चर्स दिए गए हैं और सामने उनके नंबर्स दिए गए, जैसे कि हमने यहाँ पे मैच तो पेयर में किया ना, वैसे ही करना है आपको। पिक्चर्स काउंट करके उनके नंबर के साथ आपको मैच करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, ड्रॉ द लाइन एज पर नंबर। तो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल दिया गया है आपको क्वेश्चन नंबर 14 का। फर्स्ट जो है उसमें कौन सा नंबर है? 4। तो हमें क्या करना है, स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। 4 1 2 3 4, ओके। फिर नेक्स्ट है 6 नंबर, तो 6 हम स्टैंडिंग लाइन करेंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर है 1, तो 1 लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद है 3 1 2 3, उसके बाद है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके स्टूडेंट, तो जितने नंबर है उतनी हमें क्या करना है, स्टैंडिंग लाइन बनानी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, ड्रॉ द सर्कल एज पर ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं, वो काउंट करके जितने पिक्चर्स है उतने हमें सर्कल बनाने हैं। ओके, तो फर्स्ट आपको एग्जांपल दिया गया है, कप है, कितने हैं चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5, 5 कप है, तो सामने आप देख सकते हैं कि कैसे सर्कल किए हैं 5। ओके, 5 कप है, तो हमें कितने सर्कल बनाने हैं? 5। नेक्स्ट है शार्पनर, नेक्स्ट क्या दिया गया है, एक शार्पनर दिया गया है, 2 शार्पनर है। ओके, तो हम उनके सामने क्या बनाएंगे, 2 सर्कल। फिर बुक्स दी गई है, कितनी बुक्स है? 3 बुक्स है, तो हमें क्या करना है, 3 सर्कल बना लेने हैं। ओके, वैसे ही सारे ऑब्जेक्ट आपको काउंट करने हैं और उनके जितने आपको
सर्कल करने हैं, वन सीजर है तो आपको वन सर्कल करना है। ओके, टर्न योर पेज, क्वेश्चन नंबर 16। उसमें फर्स्ट है काउंट एंड मैच, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो बलून्स हैं उनके अंदर छोटे छोटे सर्कल दिए गए, तो वो जो छोटे सर्कल हैं वो हमें काउंट करने हैं, और फिर वो बलून की जो लाइन है वो नीचे जो चिल्ड्रन के क्लॉथ्स हैं उनके अंदर नंबर लिखे हुए हैं वहाँ पे हमें मैच करना है कि फर्स्ट जो है वो 1 2 3 4 5 है, ये फर्स्ट वाला ऑरेंज वाला बलून है उनका 5 सर्कल है बलून में, तो 5 नंबर का जो बॉय है वहाँ पे हम मैच कर देंगे। ओके, तो वैसे ही फर्स्ट सेकंड आपको खुद से करना होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 70, कलर द पिक्चर एज पर द नंबर, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे काफ़ी सारे पिक्चर्स अलग अलग से पूरी लाइन में दिए गए हैं, बट आपको क्या करना है, जो नंबर दिया गया है उतने पिक्चर्स में आपको कलर फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है 3, तो आपको क्या करना है, 3 ट्री काउंट कर लेना है और 3 ट्री में आपको कलर करना है। ओके, फिर नेक्स्ट है 4, तो स्टार काफ़ी सारे, उसमें से हमें 4 स्टार काउंट करने हैं और 4 स्टार में कलर करना है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, काउंट द पिक्चर ट्रेस द राइट द नंबर इन ईच बॉक्स, यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए, 1 पिकॉक है तो यहाँ पे 1 नंबर को 2 टाइम हमें पहले ट्रेस करना है और फिर हमें 3 टाइम खुद से लिखना है। ओके, ऐसे ही 1 से लेके 5 नंबर तक ट्रेस करके आपको नंबर्स लिखने हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, काउंट द सर्कल एंड राइट द नंबर इन, यहाँ पे क्या करना है, आपको काउंट कर लेना है और ऊपर जो आपको बॉक्स दिया गया है वहाँ पे आपको नंबर लिखना है। जैसे कि फर्स्ट जो है उसके अंदर 2 सर्कल हैं। ओके, तो यहाँ पे जो छोटा बॉक्स दिया गया है तो 1 2 कितने सर्कल हुए, 2, तो हमें ऊपर क्या लिखना है, 2। फिर सेकेंड जो है उसके अंदर कितने सर्कल हैं वो हमें पहले काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ ऊपर क्या लिखेंगे, 5 नंबर। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 20, काउंट एंड पुट सर्कल अराउंड द करेक्ट नंबर, तो यहाँ पे क्या करना है, ऊपर जो पिक्चर्स है नीचे 3 नंबर्स अलग अलग से दिए गए हैं, उसमें से जो नंबर सही है वहाँ पे हम सर्कल करेंगे। ओके, तो फर्स्ट जो है वो रेड इज दिए गए, 1 2 3 4 और 5, हमारा नंबर नीचे दिए गए हैं 3 4 और 5, तो हमारा रेड इज कितना है, 5, तो हम 5 नंबर पे सर्कल कर लेंगे। फिर है टाइगर, तो टाइगर कितने हैं, 2, तो 2 नंबर पे सर्कल करेंगे। फिर है ऑटो रिक्शा हमारी कितनी है, 4, तो 4 नंबर पे हम सर्कल कर लेंगे। फिर है पॉट कितने हैं, 3, तो 3 नंबर पे सर्कल करना है। और हॉर्स कितना है, 1, तो 1 नंबर पे सर्कल करेंगे। फिर नेक्स्ट है 21, काउंट द पिक्चर्स एंड राइट द नंबर इन ईच बॉक्स, तो नीचे आपको 6 से लेके 9 नंबर तक ट्रेस करना है और 3 टाइम आपको लिखना है। फिर है 22 पे क्वेश्चन नंबर, काउंट द सर्कल एंड राइट द नंबर, जैसे हमने आगे क्वेश्चन नंबर 19 में देखा वैसे ही हमें करना है, पहले तो सर्कल काउंट कर लेना है और ऊपर जो छोटा सा बॉक्स दिया गया है वहाँ पे हमें नंबर लिखना है। ओके स्टूडेंट, तो फिर है क्वेश्चन नंबर 23, काउंट एंड पुट सर्कल अराउंड द करेक्ट नंबर, आगे भी हमने क्वेश्चन नंबर 20 में देखा था कि पिक्चर्स जो है वो पिक्चर्स काउंट कर लेने हैं, 3 नंबर में से यहाँ पे 4 नंबर दिए गए, तो 4 नंबर में से जो सही नंबर है वहाँ पे हम सर्कल करेंगे। फिर है 24 क्वेश्चन नंबर, ट्रेस एंड राइट द नंबर इन ईच स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको 1 से लेके 9 नंबर तक पहले ट्रेस कर लेना है, फिर ये जो बॉक्स ब्लैंक्स दिए गए हैं वहाँ पे आपको लिखना है 1 से लेके 9 तक। ओके ओके सुन, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2, नंबर्स फ्रॉम 1 टू 9 का पार्ट 3 कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। तब तक यहाँ पे जो क्वेश्चन करवाया है, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक, आपको अपनी ये जो वर्कबुक है उनके अंदर लिख के प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे।